पीसीएस करंट न्यूज में अभी की खबर है, भारत के नए सॉलिसिटर जनरल नियुक्त। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में तुषार मेहता की दोबारा नियुक्ति को मंजूरी दी है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारत के 6 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलों की पुनर्नियुक्तियों को भी मंजूरी दी है। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा तुषार मेहता को 2018 में पहली बार सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया था। सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल के बाद दूसरा सबसे वरिष्ठ कानून अधिकारी होता है। चलिए अब जान लेते हैं सॉलिसिटर जनरल पोस्ट के बारे में। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है। सॉलिसिटर जनरल कानूनी मामलों में सरकार को सलाह भी देता है। इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा 3 साल की अवधि के लिए की जाती है। यह भारत के सर्वोच्च कानून अधिकारी अटॉर्नी जनरल के अधीन काम करता है। अटॉर्नी जनरल देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान का अनुच्छेद 76 भारत के अटॉर्नी जनरल के पद, शक्तियों और कार्य का प्रावधान करता है।